गुरु वंदन इच्छामि क्षमा समणो वंदे उच्चामि जय मुक्तिदायक मुक्तिवंदनम इच्छामि क्षमा समणो वंदे उच्चामि जय मुक्तिदायक मुक्तिवंदनम इच्छका सोराई शुक्र तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निवह शोधी स्वामी साता छे जी भाट पाणी नो लाभ देजो जी इच्छामि क्षमा समणो वंदे उच्चामि जय मुक्तिदायक मुक्तिवंदनम इच्छा करेण संदीप भगवान अभूत सौम्य अभिंतर राइयम खामेव इच्छम खामे मी राइयम जम तीन की अपत्यम पस्पत्यम वस्ते पाने दिनिय वेयावत्य आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगली भाषाए जम तीन की मध्य विनय परिहिन सुहुम वा वायरम वा तुभे जानम अहम न जानामि तत्संख्यानि तत्र साहेब जी शिक्षातामा छो इच्छकारी भगवान प्रसाय करी वायना प्रसार कराओ सुजी नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो वैधाय नमो लोकसंताय एषु पञ्चरमकारो तव प्रणासं मंगलाय तथं देवं वरमं भवति जय जगदेव जोनि जय गुरुलोकान सर्वारिष्ट प्रदर्शन स्वामी अज्ञान नेत्र पिछले क्लास में हमने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आत्मा के मूलभूत और मौलिक गुण है। ज्ञान गुण से आत्मा ज्ञाता भाव रखता है, उससे वो जानता है, सीखता है, सोचता है, समझता है। दर्शन गुण से आत्मा दृष्टा भाव रखता है, उससे वो देखता है, सुनता है और इंद्रियों के क्रिया करता है। चारित्र गुण से कर्ता भाव रखता है और उससे शुभ क्रिया करता है। वीर्य गुण से भोक्ता भाव रखता है और उसके फल भोगता है। ज्ञान और दर्शन वो चेतना शक्ति है, कर्ता और भोक्ता वो वीर्य शक्ति है। यह आत्मा का गुणात्मक स्वरूप है। जब आत्मा के गुणों पर कर्मों के आवरण लग जाते हैं तब आत्मा कर्मानुसार आचरण करने लगती है। ज्ञानावड़ीय दर्शनावड़ीय मोहनीय अंतराय कर्म आत्मा के गुणों को ढक कर गुणों के विपरीत आचरण करवाता है। हमें अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करके गुणों के उपयोग भाव में रख के सम्यक ज्ञान दर्शन शुद्ध चारित्र रख के उसके फल भोगने का पुरुषार्थ करना है। जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य गुण आपस में जुड़े हुए हैं, वैसे ज्ञानावणीय दर्शनावणीय मोहनीय अंतराय कर्म भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें ज्ञान दर्शन गुणों का बैलेंस करने की जागृति रखनी है
और उससे हमारी चेतना शक्ति बढ़ सकती है और हमें कर्ता भोक्ता गुरु के बैलेंस रख के उससे हमारी विरह शक्ति को बढ़ाना है। चलिए अब जो हम आत्मा को जिस तरह से समझ रहे हैं सर्वप्रथम कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो आत्मा को पहले उसको दर्शन करना। अब वो दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पर देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, पांचों इंद्रियों के एक साथ इसका फंक्शन है। अंदर आत्मा का दर्शन गुण है, लेकिन दर्शन गुण यहाँ पर जो है ये कर्म है, दूसरा कर्म है, तीसरा कर्म। अब इस तरह से ये पांचों कर्म हैं, इन पांचों कर्मों के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर गुण कितने प्रमाण में खुले हैं और कर्म कितने प्रमाण में है, ये इधर देखे एक एक का नाम बरोबर स्पष्ट हो गया, चक्षु दर्शना वर्णीय, और फिर चार का एक ग्रुप सब बनाया अचक्षु दर्शना वर्णीय। तो ये नामकरण करते हुए इस तरीके से नाम दिया गया है कि जिससे हमको ये ख्याल आ जाना चाहिए एक एक कर्म चारों तरफ से जो काम करे ये है चक्षु दर्शनावर्ण्य। अब ये अचक्षु दर्शनावर्ण्य के अंदर एक एक चारों को लिए है, तो इसको आप अलग नाम दे करके यहाँ से स्पर्श करिए। स्पर्श लिए दर्शनावर्णीय कर्म, रसनेन्द्रिय दर्शनावर्णीय कर्म, घ्राणेन्द्रिय दर्शनावर्णीय कर्म, श्रोतेन्द्रिय दर्शनावर्णीय कर्म। तो ये हो गए सब स्पर्शेन्द्रिय दर्शनावर्णीय कर्म, रसनेन्द्रिय दर्शनावर्णीय कर्म, घ्राणेन्द्रिय दर्शनावर्णीय कर्म, श्रोत्रेन्द्रिय दर्शनावर्णीय कर्म, इन चार के ये हो गए और चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म ये हो गए। अब ये आवरणीय शब्द जोड़ करके नाम देने से ये संज्ञा क्या बन रही है, अब सबके परसेंटेज अलग अलग है। इधर देखिए अब स्पर्शेंद्रिय रस दर्शनावरणीय कर्म के अंदर 80% आपका खुला है, 20% ब्लॉकेज से बंद है। ब्लॉकेज से बंद कौन कर रहा है, दर्शनावरण स्पर्शेंद्रिय दर्शनावरणीय कर्म। अब इधर क्या है, ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं, तो इसके अंदर आपका स्पर्श कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का। रस अंदर कितने प्रकार का है, ये 5 प्रकार का है। प्राण आपकी 2 प्रकार की है, 5 ये है। चक्षु इंद्रिय के रंग जो है वो 5 है। श्रोत इंद्रिय के कितने हो गए, 3 हो गए सर। ये कितने हो गए, 5 इंद्रिय 23 20, ये 5 इंद्रियां हो गई और ये 23 विषय हो गए। अब इन सब का ज्ञान, दर्शन आत्मा को प्रतिदिन प्रतीक्षण करना ही करना है। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप इतने लंबे दूर अटलांटा में सुन रहे हो, तो अगर आपको पूरी तरह से सुनाई नहीं देगा तो क्या होगा, जब सुनाई नहीं देगा विषय का ख्याल ही नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो याद नहीं रहेगा। इधर जो है ये दूसरा विभाग है, इधर दूसरे विभाग के अंदर ये जो है ये याद रखने का काम करता है और ये समझने का काम करता है। लेकिन पहले सुनाई देगा तो समझ सकेंगे, समझ सकेंगे तो याद रख पाएंगे। तो कहां ब्लॉकेज कहां आ रहा है, किसमें ब्लॉकेज आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पांचों इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों के अंदर सबके दर्शन के परसेंटेज अलग हैं
और सबके ब्लॉकेज के आवरणीय कर्म के परसेंटेज अलग है। ये स्पर्शेंद्रिय है तो 8 प्रकार के स्पर्श हैं। अब कई लोगों को ठंडा गर्म जल नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन स्मूथ हैंड रब के अंदर जल नहीं मालूम नहीं पड़ता है। कई लोगों को ठंडा गर्म जल नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन हल्का या भारी ये जल नहीं मालूम नहीं पड़ता है। तो ये तकलीफ रहने वाली है। 8 प्रकार है, इधर आवरणीय कर्म है। 8 में से किसके कौन से ज्यादा खुले हैं, किसके ज्यादा ढके हुए हैं, किसको ज्यादा स्पष्ट ज्ञान होगा, दर्शन होगा, किसको नहीं होगा, ये होना ही होना है। अब समझ में बात। अब रसनेन्द्रिय में 5 रस है। जीभ से चाखते समय आपको खट्टा, मीठा, खारा, तीखा, चूरा, कड़वा, अब ये सभी रस हमारे साथ जुड़े हुए जीभ के साथ। तो जीभ एक इंद्रिय हो गई। अब जीभ जब एक इंद्रिय है, अब ये जीभ आपकी जिस तरह से बनी है, तो यहाँ कौन सा रस स्पर्श होगा, यहाँ कौन सा रस, ये जीभ के अंदर एनाटॉमिकल स्टडी करने जाते हैं तो जीभ के साथ जो संवेदना अंदर जुड़ी है। अब ये जीव के साथ की ही संवेदना में बरोबर इसको ख्याल आ रहा है, कहां से खट्टा लग रहा है, कहां से तीखा लग रहा है, कहां से मीठा लग रहा है, कहां से खारा लग रहा है। अब आप सोच लो, समझे कि नहीं कांति भाई, दुनिया के अंदर कोई भी साइंटिस्ट अभी तक प्लास्टिक की या आर्टिफिशियल कोई जीव बना नहीं सके कि जिस जीव को लगाते ही आपको खट्टा मीठा अनुभव हो जाए, ऐसी जीव कोई दुनिया में कोई आर्टिफिशियल बना नहीं सके। जिन लोगों को जीव का कैंसर हो जाता है, अब जीव का कैंसर होने के बाद जीव काटनी पड़ती है, और जीव कितनी काटनी पड़ती है क्योंकि कितना कैंसर स्प्रेड हुआ है उनको पता चलता है। अब वो क्या करेंगे साहब, अब नहीं जीव तो बैठा नहीं सकते हैं, उसके साथ जोड़ नहीं सकते हैं। तो जिनको कैंसर हो गया, जीभ का पोर्शन जितना पार्ट उसका कटा, उसके बाद उनको कोई टेस्ट ही नहीं आता है, कोई स्वाद ही नहीं आता है। बस ठीक है, चलो स्वाद आया कि नहीं आया, खा तो रहे हो ना आप, बस बात ये हो गई। और जब कभी गले का कैंसर हो जाए, मुंह का कैंसर हो जाए, तो वो ट्यूब नाक से चढ़ा करके अन्न नली में डाली जाती है। तो बस वो नाक से ट्यूब के अंदर से जा रहा है, कोई टेस्ट नहीं, कोई खट्टा नहीं, कोई खारा नहीं, कोई मीठा नहीं। अब वो बेचारा जिंदगी में नहीं बोल पाएगा, कभी नहीं बोल पाएगा, बस जो है उसको ट्यूब से कुछ भी डालो। अब जीवन चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम उसके पेट में पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको दिया जाए तो आपका जो है रसनेन्द्रिय कितना काम कर रहा है, तो 5 रसों का अनुभव बरोबर हो रहा है, किसी को कम ज्यादा हो रहा है। बोलिए आंचलिय जी, आपको 5 रस आ रहे हैं जी? मारा सर, कोई एक कम ज्यादा नहीं? हाँ, कभी ख्याल आया है आपको? नहीं आया है। हाँ जी चोरड़िया जी, आपको? हाँ मारा, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। ध्यान ही नहीं दिया? कोई स्वाद आता ही नहीं है तो बहुत अच्छा। नहीं, स्वाद तो आता ही है महाराज, स्वाद तो आता ही है, पर गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का, उनका स्वाद तो आता ही है। आप ध्यान देकर बताना कि जीभ से किस भाग में मीठा स्वाद आ रहा है, किस भाग से कड़वा स्वाद आ रहा है, किस भाग से खट्टा स्वाद आ रहा है। यहाँ भी बदलेंगे नहीं, जहां से मीठा आ रहा है वहां से कड़वा नहीं आएगा, जहां से कड़वा आ रहा है वहां से खारा नहीं आएगा, सबका अलग अलग है। कहलाएगा अब आपने क्या देखा है कि जो रोज बनाकर दे रहे वो उनमें श्रीमती जी की मेमोरी सेट है, वो बना के देंगे तो वैसा ही आप खाएंगे, तो आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। ये सब कहाँ जा करके सेट हो रहा है, ये सब आकर के आखिर यहाँ आपकी मेमोरी, तो मेमोरी में जाकर के सभी सेट हो गए। तो जो रोज चाय पीते हैं वही चाय आप पिएंगे,
फिर आप क्या बोलेंगे साहब, नहीं मैं मेरे मेरे को इनके हाथ की चाय नहीं पीनी है, कुछ लोग बोलते हैं इनके हाथ की रोटी नहीं खानी है, कुछ लोग बोलते हैं इनके हाथ का भोजन मुझे नहीं करना है। अरे हाथ से क्या लेना है, क्यों राग द्वेष करते हो भाई? नहीं वो क्या है, मेरी पत्नी बनाते थे ना तो बहुत बरोबर बनती थी, वो सेटिंग मेमोरी में हो गई। अब दूसरे ने आकर थोड़ी शक्कर ज्यादा डाले कि कम डाले कि कुछ भी कर दिया, तो दूसरे दिन नहीं मुझे इनके हाथ की चाय नहीं पीनी है, मुझे इनके हाथ की चाय नहीं पीनी, ये क्या कारण है, क्या तकलीफ हो रही है? मेमोरी में थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो राग द्वेष तैयार है। ये यहाँ पर क्या है, आत्मा के घर में ये अंदर जो है ये कसाय भाव है। अब कसाय भाव के अंदर ये अब आपके इधर राग है, इधर द्वेष है, अब ये तैयार रहते अंदर, बड़ा से ये उठा रहा है, यहाँ से उठा रहा है। क्या बात है, आज क्यों नहीं, आपने दाल में नमक क्यों नहीं डाला है? तो सीधे ही कसाय आएगा, उठा के दाल की कटोरी फेंक दो उसके ऊपर, और फिर दो बात बुलाओ बोलो, वो अलग गाली दो, वो अलग समझे कि नहीं, ये गलती नहीं करनी है। क्या फर्क पड़ गया भाई साहब, जाने दो ना, पेट में ही जा रहा है ना, थोड़ा सा स्वाद नहीं भी आया तो क्या फर्क पड़ा, स्वाद कम ज्यादा हुआ तो भी कोई शरीर की एनर्जी शक्ति को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस जब तक जीभ पर है वहां तक ही आपको स्वाद आएगा, जीभ से नीचे उतरने के बाद अब वो खट्टा है कि मीठा है कि खारा है कि क्या है कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। अगर हम पांचों इंद्रियों के 23 विषयों के साथ राग द्वेष का कनेक्शन तोड़ दें, फिर आपको कर्म बंध नहीं होगा, बहुत बच जाएंगे। बोलिए मैंने क्या बात बोली है, कांति भी बोलो, सेंटेंस वापिस रिपीट करेंगे। जी जी, 23 विषयों के बारे में राग द्वेष नहीं करेंगे तो आपका भला होगा। ये क्या नया क्या जोड़ दिया, ये भाषा कहाँ से लाए? बोलिए संगीता बहन चलानी जी, पहले अनम्यूट करिए फिर बोलिए। महेंद्र भाई, इंद्रियों राग, पांच इंद्रियों ना राग द्वेष काढ़ी नाखी तो आपने कर्म बंद थतो नथी। अब ये क्या करना है, सीधा देखो इधर से जो आया वो आपके दर्शन में, पांचों इंद्रियों ने दर्शन कर लिया और इधर आ गया, ये क्या आ गया, जो दर्शन से आया वो आपके ज्ञान में सेट हो गया, तो इसको बीच में लाने की जरूरत क्या है? राग द्वेष कसाय को बीच में क्यों लाना चाहिए? देख लिया, मेमोरी में सेट कर लिया, समझ में आ गई बात, बात पूरी हो गई सर, इतनी सी बात है, इसको राग द्वेष को बीच में लाने की जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ आएगा वो मेमोरी में जाएगा, समझ में आएगा, फटाक से पहले हम अपने राग द्वेष के साथ बात जोड़ते हैं, हर किसी की बात को पहले राग द्वेष के साथ जोड़ देते हैं। अब राग द्वेष के साथ जोड़ोगे तो तुरंत कर्म बंध शुरू हो जाएगा, और जो भी कुछ हो खाते पीते भी जिस बात को राग द्वेष के साथ नहीं जोड़ोगे तो कर्म बंध नहीं होगा, सिंपल नियम है। अब आप प्रयत्न करिए, जिस जिसको भी प्रयत्न करना है, बिना बैन आप क्या करेंगे साहब, पांचों इंद्रियों के किसी भी विषय को राग द्वेष के साथ न जोड़ते हुए खाली एक दिन निकालो, एक दिन जी महाराज सर, और फिर रियलाइज करो, एक दिन अगर आपका निकल जाता है, आप उठते सुबह उठते ही आप नींद में से संकल्प करो, मैं पांचों इंद्रियों के इन 23 विषयों में किसी में राग द्वेष नहीं करूं, एक भी विषय में राग द्वेष नहीं करूं, देखने में सुनने में बोलने में खाने में चाखने में स्पर्श कर कोई भी विषय कुछ भी आ जाए मैं किसी में राग द्वेष नहीं, बस बात पूरी हो गई। उस दिन आप अपनी डायरी में लिख लो, आज मुझे किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं हुआ तो कोई कर्म बंध ही नहीं हुआ। अब ना तो कर्म दिख रहे हैं, ना कर्म बंध की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। जब कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप समझ जाओगे ना
आज रागद्वेष नहीं हुआ है तो कर्म बंधन नहीं हुआ, आज रागद्वेष ज्यादा हुआ है आज कर्म बंधन ज्यादा हुआ है, आज रागद्वेष थोड़े हुए हैं कर्म बंधन थोड़ा हुआ है, आज रागद्वेष बिल्कुल नहीं हुआ है आज कर्म बंधन बिल्कुल नहीं हुआ है, ये आप अपने अंदर निश्चित करते जाओ, बाकी पता ही नहीं चल रहा है। हमने दूध पिया अंदर शरीर में गया क्या हुआ सब, हमने खाया रोटी सब्जी दाल चावल खाया अंदर शरीर में गया, अंदर गया कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, कुछ पता चला, कुछ बोला, आपको ख्याल आया क्या क्या हो रहा है अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जा तो रहा है, हो तो रहा है, चल तो रहा है ना, तो बरोबर हमको ख्याल आता है। जब वो ख्याल आता है शरीर में जाने से एनर्जी आती है वो ख्याल में आता है, तो आत्मा में जाने से कर्म बंद होता है इसका ख्याल क्यों नहीं आता है, इसका भी ख्याल आना चाहिए था और जरूर आएगा, बरोबर आएगा, सोचिए समझे कि नहीं, तो वो भी कैसे आ जाएगा, किस तरह से आएगा, तो हमको समझ जाएंगे। अब ये पांचों इंद्रियां हैं और बाहर क्या है, सभी ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट सब कौन से हैं, वो भी पुद्गल के हैं, पांचों इंद्रियां किसकी है, वो भी पुद्गल के हैं, जिनका पदार्थ का बोध होना है वो भी कौन है, वो भी सब पुद्गल के ही पदार्थ, आगे बात ख्याल में, वो भी सब पुद्गल के ही पदार्थ है, ये भी इंद्रियां भी पांचों पुद्गल की बनी हुई है और वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के गुण धर्म है, बस ये इनके गुण है, तो हमको जो भी दिखाई देना है वो पुद्गल पदार्थ ही दिखाई देगा, पुद्गल पदार्थ के ही वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, तो पुद्गल के गुणों के अनुरूप आत्मा ने भी वर्ण गंध रस स्पर्श अपने हिसाब से बना लिया। तो ये भी बरोबर है कि साथ में जुड़ गए, तो पांचों इंद्रियों के साथ चल रहा है हमारा काम, अब पांचों इंद्रियों में किसके कर्म किसके साथ कितने प्रमाण में ये ख्याल नहीं है, बस दो इंद्रियों का ख्याल आ रहा है, कम सुनाई देता है और कम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है नहीं सुनाई देता है, अगर ये कर्म यहाँ पर आपका 100% दरवाजा बंद कर ले तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, बहरे हो जाएंगे हम, ये कर्म आपका 100% अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। आज भी दुनिया में करोड़ों मनुष्यों की संख्या है जो आंखों से अंधे हैं, आज भी दुनिया में करोड़ों जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल कानों से बहरे हैं, बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता है, आज भी उनकी स्थिति है। बोलिए सर कैसे करेंगे हम, लेकिन आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको नाक से सूंघने में सही गंध नहीं आती है, कितनी वस्तुएं दुनिया में कितनी वस्तुएं सर, अब कितनी वस्तुओं की गंध कौन सी है, कैसी गंध है, सुगंध कौन सी है, दुर्गंध कौन सी है, सही अच्छी गंध कौन सी है, खराब गंध, ये कहाँ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, किसको पता चल रहा है, ये समस्या है हमारे साथ, अच्छी गंध कौन सी है, खराब गंध कौन सी है, सुगंध कौन सी है, दुर्गंध कौन सी है, क्यों नहीं पता चल रहा है कई लोगों को। अब आप सोचिए, आपकी तो बात मनुष्य की है, लेकिन कुत्ता जो है, कुत्ते को तो देखना या सुनना उसकी ज्यादा उसको सूंघने से ज्ञान हो रहा है, वो सूंघ करके जितना अपनी मेमोरी में लाकर सेट करता है वही जाकर के उसकी समझ में आता है, वो देख करके जितना याद नहीं रखेगा, सुन करके जितना याद नहीं रखेगा उससे ज्यादा सूंघ करके याद रखता है। प्रायः कई पशु पक्षियों को देख लो साहब, कुत्ता भी देखो बिल्ली भी देखो वो पहले सूंघेंगी, गाय भी देखो भैंस भी देखो बछड़ा भी देखो बैल भी देखो, जो चीज आप खाने के लिए देंगे पहले उसकी सुगंध लेंगे गंध लेंगे, वो गंध जाकर मेमोरी में जाएगी, मेमोरी में सेट हो जाएगा तो बरोबर वो खाएगी नहीं तो नहीं। अब आप कभी जाकर रास्ते पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तंबाकू जो है डाल करके देखिए, फिर वहां से गधा भी आता हो घोड़ा भी आता हो कुत्ता भी आता हो बिल्ली भी आती हो बकरी भी आती हो बैल भी आता हो,
कोई नहीं खाएगा, वो सूंघ के चले जाएंगे, सूंघ के चले जाएंगे, सूंघते ही जैसे भागेंगे तो दूसरी बार उसके पास ही नहीं आएगा। लेकिन दुनिया में एक कोई ऐसा है कि तंबाकू भी खा लेता है, पान पराग भी खा लेता है, उसको जला करके धुआं भी अंदर ले लेता है। अब वो ज्यादा समझदार है कि जो सूंघ के चले जाते हैं वो ज्यादा समझदार? गांधी भाई असो छो एना करता जवाब आप हसी ने ताली तो बगाड़ो। कौन ज्यादा समझदार है, बुद्धिशाली कौन है? ये कर्म जो है ना इसका काम है, ये कर्म बुद्धि माना है। तो बुद्धि कहां से आई, बुद्धि कौन दे रहा है? बुद्धि कोई बाहर से नहीं आ रही है, बुद्धि कोई बाजार में से नहीं मिल रही है। बुद्धि भी आत्मा का ज्ञानावरणीय कर्म है। कौन सा ज्ञानावरणीय कर्म है? तो इसको दान दिया है श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। अब इसको भी समझेंगे, श्रुत ज्ञान ज्यादा है कि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा है? सबका अपना अपना हिसाब अलग है। बोलिए योगी बहन, आपका क्या हिसाब है, श्रुत ज्ञान ज्यादा है कि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा है? लगता है ज्ञानावरणीय कर्म ज्यादा है। नाम बोल के बोलिए। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। दर्शना जी गांधी, कैन यू रियलाइज दैट आइदर योर इंटेलेक्चुअल लेवल इज टू मच और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड और यू कैन अंडरस्टैंड इजीली? सी whatever we are learning, whatever you are reading, whatever you are understanding, so immediately it comes to your understanding. If it is not possible for you, I can't understand this. What is this? What am I unable to understand? कैसे लगता है आपको? First, you must unmute and then speak. I'm sorry. Sometimes I wonder, I understand what I'm trying to understand, because this is not an easy subject and it's very deep and complicated subject. But the point is that when you cannot hear or you cannot see, what must have happened in what life that you have lost that sense? I'm asking only that if it is the typical subject, if it is difficult subject, but if you try to understand, are you understanding it properly or not? No, I'm trying to understand, but I do have a lot of question in my mind that you have that question. Ask your question, get the answer, then again try to understand it. But what is the first meaning? How to self-justify that? If you can justify that, I have that Shruta Jnana Varniya Karma, or you have the Shruta Jnana clear without any karma. Is it possible or not? That is important. If your Shruta Jnana Varniya Karma is much more than your Shruta Jnana, then it will be not possible for you to understand it easily. No. If you have that much clear, the Shruta Jnana, without the Shruta Jnana Varniya Karma, right. What you are speaking that in your sentence, I can diagnose that your Shruta Jnana Varniya Karma is there. It is present there. So it is difficult to understand. So if you will ask second time, if you will listen it second time or third time, then it will be clear for you. So it proved that how much Shruta Jnana Varniya Karma is there. And some of the persons, those are having that Darshana Varniya Karma. Either which Darshana Karma it is it the Chakshu Darshana Varniya Karma? Or is it the achakshu darshana varniya karma? So which karma is more in percentage? So because the first one is darshan and then it comes to the jnana.
इज द ऑटोमेटिक सिस्टम है, हर सबसे पहले सबको दर्शन होगा, वो जाकर के ज्ञान में होगा सा। अब दर्शन की क्लैरिटी है तो दर्शनावरणीय में ये पांचों दर्शनावरणीय कर्म है। अब आपको इसको कितने प्रमाण में करना है, 23 के अंदर इसको डिवाइड करिएगा। अब 23 के अंदर आप यहाँ से लेकर आपने 23 के अंदर तो ये आप इस तरह से 23 के अंदर डिवाइड कर ये जो 23 है तो ये 1, 2 और 3 ये फिर वापस जो गए 3 जो है किसके गए यहाँ पर सोते थे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 गए आपके चक्षु इंद्रिय, फिर 1 और 2 ये आपके गए यहाँ पर घ्राणेन्द्रिय, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके गए यहाँ से रसने लिए, और ये 8 आपके जाएंगे श्रोते लिए स्पर्श लिए। तो ये जो 23 है, ईच एंड एवरी पर्सन हैव द कंपल्सरी ऑल द सेंसेस, यू सी वी द ह्यूमन बीइंग हैव द 5 सेंसेस, इवन द एनिमल्स हैव द 5 सेंसेस आल्सो। But what about the ant and mosquitoes and bees, you see? They have only the 4. Ant have only 3. But all the bacteria, virus, they have only 2. And below that, you see, if the plants have only the 1, the water have only the 1, you see. So, jiske paas jo hai, usko utna hi bodh hoga. Jo indriya nahi hai, to uske paas nahi hoga. The basic principle is what? Each and every living being in this universe, those who are living, they have compulsory senses, but the different senses. Minimum 1 indriya, maximum 5 indriya. और 5 इंद्रिया पूरी होने के बाद मन आएगा, तब आप मन का काम क्या है, इन पांचों इंद्रियों ने जो लाया है अब उसके बारे में सोचना विचार करना, वो मन का अलग से काम। तो ये जो है मन हमारा यहाँ से होता है, अब यहाँ पर जो आपका मन हुआ तो वो बाद में सोचेगा विचार करेगा, लेकिन ऑटोमिज्म इतना फास्ट है, अंदर ऑटोमिज्म इतना फास्ट है कि उसको ख्याल आ सकता है, ये बात है। तो यहाँ पर जिस तरह से पांचों इंद्रियां, अब पांचों इंद्रियों के ये 23, अब इधर देखिए आप ध्यान से, मैं इसके अंदर इसका परसेंटेज कम है लेकिन इसके ज्यादा है, इसका भी इससे ज्यादा है, अब इसके परसेंटेज कम है लेकिन इसके ज्यादा है, इसके कम है इसके ज्यादा है, अब यहाँ पर आपके कम बिल्कुल कम है लेकिन इस बात में कम से कम ज्यादा है वो आपको अलग अलग देखना है। अब यहाँ पर आते आते ये 8 आपके कम से है, तो कम ज्यादा का मतलब ये क्या है, I've done with the green chalk, you see. So it shows that ये क्या बता रहे हैं कि कौन सा आवरणीय कर्म कितने परसेंटेज है और खुला कितने परसेंटेज, ओपन पोर्शन। तो जितना ओपन पोर्शन है उतना क्लियर आपका दर्शन रहेगा, और जितना ये ब्लॉकेज आपको दिख रहे हैं ये दर्शनावरणीय कर्म के। अब आपको उसमें से प्रॉपर डायग्नोस करना है, चक्षु दर्शनावरणीय का है कि श्रोत्रेंद्रिय दर्शनावरणीय कर्म का है कि ग्रहणेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म का है कि रसनेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म का है कि स्पर्शेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म का है। 5 डिवीजन हो गए, पांचों इंद्रियों के हिसाब से 5 डिवीजन किए, और 23 इनके इंद्रियों के सब्जेक्ट्स है उस हिसाब से किए। तो क्यों 5 इंद्रियां हो रही है और क्यों तक 23 डिवीजन हो रहे हैं, बोलिए साहब किसको ख्याल आ रहा है, श्वेता बेन साहब बोलेंगे आप, चलो मेहता जी बोल के देखिए आप। क्योंकि उद्गल के गुण 5 है इसीलिए 5 ही हो गए, 5 इंद्रिय भी 5 ही हो गए। उद्गल के गुण कितने हैं, उद्गल के गुण चा 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 वर्ण गंध रस स्पर्श
वर्ण गंध रस स्पर्श तो श्रोतेंद्रिय के ध्वनि जो है ध्वनि इटसेल्फ इज पुद्गल द्रव्य है गुण नहीं है वर्ण गंध रस स्पर्श है पुद्गल का ध्वनि वो खुद ही पुद्गल द्रव्य है समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ गया अब आत्मा भी तो पुद्गल परमाणु लेकर तो शरीर बना रही है ना। अरे क्या मैं आपको आत्मा भी अपना शरीर जब बना रही है तो वो भी पुद्गल को लेकर के ही तो शरीर बना रही है। अब ये जीव जो है ये जीव अपनी तरह से यहाँ गर्भ में आए अब गर्भ में इसको अब यहाँ अपना शरीर बनाना है इंद्रिया बनानी है तो ये देखेगा कि यहाँ से दर्शनावरणीय कर्म तैयार बैठा कौन बना रहा है गर्भ के अंदर शरीर की रचना कौन कर रहा है बोलिए आत्मा कर रहा है सर बोलो बिना बेन बोलो नाम कर्म हाँ बस तो ये कौन सा नाम कर्म है निर्माण नाम कर्म शरीर निर्माण नाम कर्म जो है ये नाम कर्म के घर में जो है अब ये जब निर्माण ये जो भी कर्म है जब आपके इंद्रियों की रचना करेगा तो ये काम नाम कर्म तो बनाने का काम करेगा लेकिन बनाते टाइम में दर्शनावरणीय बीच में आएगा रुको 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 भाई इसका कान नहीं बनाना है कान में सुनने की शक्ति मत देना लो अब नाम कर्म बना रहा था वो कान की रचना कर रहा था बोले मैंने आउटर साइड के जो कान है उसकी डिजाइन तो कर दिए साहब कान तो बन गए तो क्या वो अंदर जगह ऑडियोग्राफ का पर्दा मत देना उसको तो ये बीच में आ जाएगा साहब अब ये बीच में आकर के बरोबर उसके कान की बहराज लाएगा अब क्यों लाएगा क्यों ऐसा करेगा इट इज नॉट द नॉर्मल सी इट इज एबनॉर्मलिटी सी तो व्हाट इज द नॉर्मलिटी पांचों इंद्रियां सभी पूरी बनाए पांचों इंद्रियों के फंक्शन सबके बरोबर हो वो प्रक्रिया थी। तो ये एबनॉर्मल सी किसने आई उस जीव ने भूतकाल में कहों जन्मों में कब ज्ञानावरणीय कर्म कैसा बांधा था अब वो जो है दर्शनावरणीय कर्म कितने प्रमाण में बांधा था अब वो कर्म बंध की प्रकृति उसके साथ में है तो वो कर्म बंध की प्रकृति कौन सी है श्रोत्रेंद्रिय दर्शनावरणीय कर्म तो वो यहाँ पर आकर के नाम कर्म को अपनी तरफ से ऑर्डर दे रहा है भाई आप बनाते समय इतना मत बनाना just like the construction you see the builder who is constructing the building but at that time the architecture is coming you see I have given this type of design so according to this design you see you must see here the window here the door and here the wall so this side there will be the wall this side there will be the window and you see if you are not giving any windows if you are not giving any type of door so they will be closed so this building this side the totally closed aisa nahi hona chahiye aa raha hai khayal mein so ye jab hoga tab kya hoga so who is designing here atma khud hi to design kar raha hai architecture kaun hai yahan par sharir banane wala architecture jo hai wo atma hi hai karma hai तो वो कर्म बरोबर उसके सामने ये यहाँ पर ये कौन सा गर्भ काल है अब गर्भ काल के अंदर इस समय साढ़े नौ महीने आपके चल रहे हैं साढ़े नौ महीने गर्भ काल के अंदर ये कर्म आपके काल नहीं बने अब दूसरे किसी से उसको लेना देना नहीं है हाथ बने पैर बने सिर बने कुछ भी बने मुझे कोई मतलब नहीं है मेरा काम श्रोत्रेंद्रिय दर्शनावरणीय कर्म है मुझे सिर्फ इसके कान बनने नहीं देने हैं ये सुन नहीं सकेगा सुनेगा नहीं बस समझे कि नहीं अब उसमें फिर वापिस और अलग अलग है राइट कान या लेफ्ट कान दोनों कान या दोनों कान से सर्वथा नहीं सुनाई देना दोनों कान से कम सुनाई देना
या एक कान से कम सुनाई देना और एक कान से ज्यादा सुनाई देना, तो वो सब अलग अलग डिटेल है साहब। वो डिटेल का कर्म अलग अलग है सबका। अब उस कर्म के हिसाब से आप चलिए समझेंगे तो बराबर आपको ख्याल आ जाएगा। इतना माइन्यूटली डायग्नोसिस है। आप MRI कराते हैं ना, सेम लाइक दैट MRI की तरह से ये माइन्यूटली जो है काम है। तो कर्म ग्रंथ कर्म शास्त्र के नियम माइन्यूटली उसको बराबर बता रहे हैं, एक एक कर्म की डिटेल बता रहे हैं। अब इसके बाद चलिए नीचे चक्षु दर्शनावरणीय कर्म। चक्षु दर्शनावरणीय में दोनों आंख से दिखाई देना कि नहीं दिखाई देना, एक आंख से दिखाई देना कि दूसरी आंख से दिखाई नहीं देना, दोनों आंख से कम दिखाई देना या दोनों आंख से पूरा अच्छी तरह से दिखाई देना। अब इसको जन्म से चश्मा आना चाहिए या 4 साल के बाद चश्मा आना चाहिए या 10 साल के बाद चश्मा आना चाहिए। अब ये सारा डिसीजन किसका है? ये सारा डिसीजन जाकर के चक्षु दर्शनावरणीय कर्म को काम करना है। अब वो जाकर के बरोबर कर्म का काम करेगा तो जो गर्भकाल है अब उसके अंदर पहले ही महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, अब गर्भ में तो बालक आंख बंद करके सोया हुआ, तो 9.5 महीने तक आप सोनोग्राफी कराओ, MRI कराओ, कुछ भी कराओ, अब बालक की आंख बनी कि नहीं बनी कैसे पता चलेगा साहब? आप सोनोग्राफी कराओगे तो कान तो दिखाई देंगे, बाहर के कान तो दिखाई देंगे। अब आप किसी भी दुनिया के किसी डॉक्टर को पूछ लो, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, सुनेगा कि, तो ये पूछो डॉक्टर के। मैं कोई भगवान थोड़ी, मैं कोई गर्भ में थोड़ी गया हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। नहीं कान तो बोले, कान तो बाहर के कान तो बन गए, आंख बनी कि नहीं बनी, तो आंख के पर्दे दोनों बंद है, अंदर आई बॉल बनेगी कि नहीं बनेगी? अब आई बॉल बनने में कितना टाइम और लगने वाला है, कैसे लगेगा सब, ये बात समस्या है। तो इस स्थिति के अंदर आपको सबको चिंता हो रही है। अब बच्चा भूलेगा कि नहीं, सुनेगा कि नहीं, ये उसके कर्म डिसाइड करते हैं। तो ये कौन तैयार करे, ये कौन बनाएगा, बताएगा, समझेगा नहीं, ये हमको समझना है अंदर से। तो ये कर्म अलग है, ये कर्म नाम कर्म है। नाम कर्म खाली शरीर ही बना रहे, निर्माण नाम कर्म है, लेकिन निर्माण नाम कर्म के अंदर जो है वो कितने प्रमाण में कैसे बन रहा है, अभी कितने प्रमाण में। नाम कर्म को तो रचना करने का काम है, लेकिन नाम कर्म रचना करते करते भी अपने अंदर जो है किस तरह से करेगा, तो ये कर्म उसका सहयोग करेंगे। ये कर्म बीच में आएंगे। अब ये कर्म जैसे ही बीच में आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अब पता कब चलेगा, आखिर तो 9.5 महीने के बाद बालक दुनिया में जन्म लेगा, तब ये आपको पता चलेगा, इसके पहले तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये स्थिति जो है जिस तरह से जीवों की जो बनेगी संजय के, तो वो स्थिति बड़ी विचित्र होने वाली है। तो ये कर्म की स्थिति है। अब इसी तरह से हमने 23 के मैंने 2 एग्जाम्पल दिए साहब, इसमें और माइनरली थोड़ा डिटेल में जाइए। ये है चक्षु दर्शनावरणीय। तो चक्षु दर्शनावरणीय के अंदर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके अंदर लाल कलर दिखता है कि ब्लू कलर दिखता है कि ब्लैक कलर दिखता है कि ग्रीन कलर दिखता है कि नहीं दिखता है? Which color you can see easily, clearly, and which color cannot see, you see? वो मालूम है आपको जो है कलर का विजन ग्राफ करते हैं ना, कलर का जो विजन का ग्राफ निकालते हैं तब पता चलता है साहब। वो बोलते हैं कि नहीं सेंटर का दिखाई देता है, साइड आउटर साइड का नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो आउटर साइड का नहीं दिखा रहे हैं या सेंटर का नहीं दिखाई दे रहा है, अब उसको प्रॉब्लम होते रहेंगे समझे के। अब वो प्रॉब्लम जब होंगे तब आपको पता चलेगा कि माई इज नॉट लुकिंग द परफेक्टली, सी ऑल द कलर्स इन द 100%। इफ वी कैन नॉट सी दे कैन नॉट सी द पर्टिकुलर कलर, सम ऑफ द पीपल कैन नॉट सी द राइट रेड कलर, सम ऑफ द पीपल कैन नॉट सी द ब्लू कलर, सम ऑफ द पीपल कैन नॉट सी द ग्रीन कलर,
when the ophthalmologist is doing the reflection, if in that reflection the particular color is not possible to see, ये प्रॉब्लम जो हो रहे हैं तो ये माइन्यूटली जो है आपके चक्षु दर्शनावरणीय में ऑल द फाइव कलर्स आर देयर, तो विच कलर योर आईज कैन सी इजीली एंड विच कैन नॉट बी, तो ये कलर विजन जो है ना, कलर जो है डिफनेस आ रही है, कलर की ब्लाइंडनेस आ रही है, ये ऑप्थाल्मोलॉजी का सब्जेक्ट है सर। अब किसको कलर की कौन किस कलर की ब्लाइंडनेस आ रही है और किसी को नाइट विजन की ब्लाइंडनेस आ रही है, जब डे लाइट नहीं होती है तो दिखाई नहीं देता है, इन द नाइट टाइम दे कांट सी बट इन द डे टाइम दे कैन सी इजीली, तो ये प्रक्रिया दोनों बनती जा रही है, दोनों का आपको ख्याल आ जाएगा समझे के लिए अच्छी तरह से। तो ये अगर हम समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड either the vision or what type of vision is there or not, you see, we should understand about that. So, ye karma hai. Ab iske baad mein kya liya aapne, granendriya. Granendriya ke andar, how many types of smells in the world? How many types of the smells? We can see the lakhs of the things smell, you see. Ek mahila rasoi karti hai, wo niche doodh chal raha hai, uski baas aati hai ki nahi? खिचड़ी जल रही है, जलने लगती है तब बास कैसी आती है, नहीं जलती है तब बात कैसी आती है, सेकंड फ्लोर पर राइस हो रहा है लेकिन उसको ग्राउंड फ्लोर पर ही गंध आती है, नहीं नहीं भाई साहब ये तो जो है हलवा बना रहे हैं, नहीं ये तो जो है शीरा बना रहे हैं, नहीं ये तो चावल बन रहा है, समझे कि नहीं। अब वो ग्राउंड फ्लोर पर है और सेकेंड फ्लोर पर रसोई बन रही है, उसके पहले ही उसको ज्ञान हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो स्मेल किसकी कितनी परफेक्ट है और किसकी स्मेल कितनी कम ज्यादा है वो आपको ख्याल आ जाना चाहिए, समझेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि आपकी घ्राणेन्द्रिय इतनी स्मेल को लेकर के परफेक्ट विजन में है, बरसों के बाद आपको बरोबर स्मेल जो है, एक बरस के बाद, दो बरस के बाद, तीन बरस के बाद, दस बरस के बाद बरोबर आपको ये ख्याल आता है। अभी इनको ये रसीला बहन को पूछो, रसीला बहन दूध पान ने सुगंध के भी होय छे, सही पे ये नाकी हो तो गंदा सुगंध आवे, देखो इनको दूध पान की सुगंध भी मालूम है, टेस्ट मैंने नहीं पूछा है, सुगंध पूछा है, सबको अलग अलग मालूम है, सब अच्छी तरह से जानते हैं, सबको ये भेद का भी ख्याल है कि इसकी मैंगो की सुगंध कैसी होती है, एप्पल की सुगंध कैसी होती है, बनाना की सुगंध कैसी होती है, अलग अलग तरीके से सुगंध का। एल्साबेन तुमने बदा में भेद खबर पड़े थे? हाँ जी सर जी। चलो तो ये एक्सपर्ट है, इनकी ज्ञानेन्द्रिय बहुत पावरफुल है, ज्ञानेन्द्रिय पावरफुल मतलब क्या हुआ कि दोनों के अंदर she can define both the thing, either the bad smell or the good smell, तो ये आपकी ग्राणेन्द्रिय का नाम कर्म वहां पर इतना नहीं, ये दर्शनावरणीय कर्म इतना नहीं आ रहा है ख्याल में आपको। तो यहाँ पर जो है अब आते आते रसनेन्द्रिय पर आए, तो मैंने आपको कहा था ये पांच जो है डिविजन वो रसनेन्द्रिय के चल रहे, ये पांच जो है वो रसनेन्द्रिय के अंदर है, पांचों प्रकार के टेस्ट आपको परफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सर, या किसी में कम ज्यादा हो रहा है। लोगों को मिर्ची का तो टेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, मीठा का भी टेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, और सबसे ज्यादा शायद कड़वेपन का ज्यादा आता होगा, लेकिन कड़वे और तुरे में कितना फर्क है, वो कम ज्यादा आता है कि नहीं आता है, नमक कम ज्यादा डाला है तो उसका आपको ज्ञान होता है कि नहीं होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर नमक कम है, ज्यादा है, थोड़ा बहुत है कि कम ज्यादा है, या तो सर्वथा नहीं हो तो पता चल जाता है, लेकिन 19-20 में तो लोगों को शायद ही ख्याल आ जाता होगा, समझेगा। आपको चोरडिया जी किस में पता चलता है, नमक में या कड़वेपन में या तुरेपन में या मीठेपन में, किस में ज्यादा पता चलता है? नमक का ज्यादा पता चल जाता है, नमक का ज्यादा। अच्छा तो कम नमक आ जाए तो क्या होता होगा? मैं बोलता हूँ कि आज इसमें नमक नहीं है लगता है,
इतना ही, इतने में कड़े, इतने में आप शांत हो जाते हो कि थोड़ा और होता है? ना ना ना, इतने में शांत हो जाते, इतने में। चलो चलो, बहुत अच्छी बात। तो ये जो है, ये क्यों जा रहे हैं? सब जो भी मेमोरी में जाएगा वो मेमोरी में से सीधा राग द्वेष में चला जाता है। इधर हमारे कसाय सब तैयार बैठे हैं, ये कसाय भाव जो है वो राग द्वेष के यहाँ पर इतने तैयार है कि ये कसाय एक एक सेकंड में एक एक बात को पकड़ लेते हैं। जो मेमोरी में आएगा पकड़ेगा, जो सोशल ज्ञान में आएगा पकड़ेगा, सब इधर से चलाया। तो ये समस्या हमारी बनती है। अब हमको क्या निर्णय करना है? हम उसके साथ राग द्वेष नहीं करेंगे तो बच जाएगा। आप अगर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करोगे तो आप बच जाएंगे। बच जाएंगे मतलब क्या हुआ? ये तो पांचों इंद्रियों के विषय है तो ये तो चलते रहेंगे, क्योंकि इंद्रियां भी पांचों विषय की है, पुद्गल भी पांचों विषय का, गुणधर्म भी हमारे वही है, तो इसमें तो वो प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन ये राग द्वेष न जाए, ये क्लेश कसाय न हो जाए, ये हमको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या लगे? नहीं तो फिर कर्म बांधते जाएंगे। ये साइकिल जो है इट विल जस्ट कंटिन्यू। अब ये साइकिल अगर हमारी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी तो फिर कभी रिजल्ट ही नहीं आएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है ना। तो पहले हम इसको थोड़ा सा ध्यान में लें, इसको देखने की कोशिश करें। तो ये सबके विभाग है, इंटरनल डिवीजन है। यह सबके डिवीजन में किसका कौन सा कर्म है, किसके कैसे कर्म है, किसके कितने कर्म है, वो अगर जैसे ही आपके समझ में आ जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपकी समस्या बढ़ जाएगी। तो ये जो परिस्थिति है, अगर ये हमको अच्छी तरह से ख्याल आ जाए सबके लिए, सब जीवों के लिए, समस्त संसार के अनंत जीव हैं और अनंत जीवों के लिए ये बरोबर करना है। तो हमको ये पहले, आप अगर ये समझ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, एंड इफ यू विल डिसाइड योरसेल्फ, ये हमारे ज्ञान दर्शन का व्यवहार चल रहा है पांचों इंद्रियों से। इंद्रियों का दोष नहीं है, अंदर इंद्रियों के पीछे जो कर्म है उसका दोष है। दोष किसका है? कर्म का है। कौन सा कर्म है, कैसा कर्म है, कितना कर्म है, किस किस प्रकार के कर्म है, वो समझ में आ जाए हमको, बस बात पूरी होगी। अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर जो है हम कर्म के चक्कर में चले जाएंगे। अब इस कर्म को नहीं बांधना है, अब ऐसे दर्शना वर्णीय कर्मों को नहीं बांधना है तो क्या करना चाहिए? What can we do ourselves? ये we should decide over it. नहीं, अब मुझे वापस दूसरा नया कर्म तो नहीं बांधना। ये बात तो बड़ी अच्छी है। अगर ये हमको ध्यान में आ जाएगा तो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन एक डिसीजन ले लो, पांचों इंद्रियों से होने वाला ज्ञान दर्शन जो आपका चल रहा है, अब उसके अंदर आपको राग द्वेष नहीं करना है। राग द्वेष नहीं करेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, बात पूरी होगी, बरोबर है? आज जो है L7 और आपको सबको जस्ट अनाउंस, बिकॉज एट दिस टाइम 9 o'clock हियर ऑलरेडी व्याख्या लेक्चर इज अरेंज हियर, बिकॉज वी हैव चेंज द प्लेस फ्रॉम दैट यू सी और बिहार, and after that Bihar we came here in the new place lower Parel here, and the public is already coming, so we have to give another lecture, so yeah. There will be no chance of any question and answer, we can stop it here. मंगलानं च सर्वे सिं परमं भवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राध्यायस्तु मंगलं चत्वारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवले पन्नतोदं चत्वारि लोकस्थ अरिहंता लोकं
हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि तमो शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम दम्मं शरणं सर्वमंगल मंगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्म जयते शाम मतेन्नामि।